पुरा तीसरा मुंडा मान्यवर तेजेश्वरी प्रसाद मंडल जिनको आप अच्छी तरह जानते होंगे, मंडल कमीशन जो लागू हुआ है ओबीसी वर्ग के लिए वो महापुरुष है, लेकिन ओबीसी हमारे बीच में नहीं है। ओबीसी के लोग सवेरे बाबा साहब की प्रतिमा पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा ले लेकर के नाच रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का बाबा साहब को बहुत जल्दी ही जनता पार्टी का नेता बनाने वाले हैं। क्या आप इसको स्वीकार करोगे? बाबा साहब को जनता पार्टी का नेता है क्या? वो हम सबका उदाहरण है, हम सबका भविष्य उज्ज्वल करने वाला है। इसलिए साथियों, हम यहाँ मैं आपको कल शाम की घटना भी बताना चाहूंगा। कल शाम को 7 बजे मैं इस चौराहे पर आया था। यहाँ कुछ मनुवादी लोग बाबा साहब की प्रतिमा पर दूध डाल रहे थे। अगर वो उनको पिला देते तो बहुत अच्छा रहता था। गणेश जी ने किया था, बाबा साहब भी कहते थे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि बाबा साहब की प्रतिमा को दूध से धोया हुआ है। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। मेरी 70 साल की उम्र है। हम जो बच्चे थे दुकान पर जाते थे, एक चवन्नी लेकर के, आदानी लेकर के, एक आना लेकर के, तो वो सेठ उसके ऊपर पानी डाल करके फिर पैसा लेता था। तो ऐसा होता है? नहीं होता। नौजवान नहीं जानते, लेकिन मेरी उम्र के लोग जानते हैं इस बात को। वो इसलिए कि क्योंकि मैं अनुसूचित जाति का हूँ, शुक्र हूँ, मीठी जाति का हूँ, उस पैसे के हाथ बिना गंगा जल लगाए नहीं रह सकता हूँ। कल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यही किया। बाबा साहब की प्रतिमा को हाथ लगाने के पहले, बाबा साहब की प्रतिमा को माला पहनाने के पहले दूध से धोकर पवित्र किया गया। जय जय जय। हम इसकी कठोर आलोचना करते हैं। इन तमाम नेताओं को हम कहना चाहते हैं, ये बाबा साहब का नहीं, भारत के करोड़ों दलितों, आदिवासियों, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी के लोगों का अपमान। आप इसको स्वीकार करेंगे? तो उन्होंने ऐसा किया है या दूध से धोया है? बाबा साहब हमारे कोई बेरू जी और माता जी का स्थान नहीं है, किसी देवता का ये मूर्ति नहीं है जिनको केसर लगानी पड़ा हो या उनको दूध चढ़ाना पड़ा हो या दूध से धोना पड़ा हो। इनके विचार हमेशा पवित्र रहे हैं। इनके विचार देश की विकास के लिए, हमारी आजादी के लिए, हमारे विकास के लिए हमेशा पवित्र रहे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और संघवादियों ने कल जो जुर्म किया है, इस जुर्म के प्रति इनके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। बोलो, आपको स्वीकार है? बिल्कुल, FIR दर्ज होना चाहिए। जिन्होंने दूध से बाबा साहब को धो करके, मैं तो कहता हूँ आप पवित्र किया है इन लोगों ने। मुझे अच्छी तरह मालूम है, जब 89 के अंदर नाथद्वारा मंदिर प्रवेश होने वाला था, वाल्मीकि समाज के लोगों को मंदिर प्रवेश करने का मुद्दा उठाया। हम 25 आदमी थे, उस 25 में से एक मैं भी था। हम उस मंदिर में गए, पुलिस की इच्छा में हमारों को मंदिर में डाला गया। नाथद्वारा के एक एक घर के ऊपर बंदूक लेकर के पुलिस वाले खड़े थे। हमारों को सीधा श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं करा करके वहां के राकेश बाबा जो वहां का संचालक है,
उसके कमरे में ले गई और 25 ही आदमी को बैठा करके, अरे क्या दिखाऊं मैं आपको, अरे मैं दिख रहा हूं आपको, 25 ही आदमी को राकेश बाबा के उस मंदिर में ले जा करके हमारे को तुलसी पत्र खिलाया, हमारे गले में कंठी माला डाली, वैष्णव धर्म के अनुसार हमारा धर्म परिवर्तन किया, उसके बाद हमारे को मंदिर में जाने दिया। ये ओछा बनहेग नहीं है तो यहाँ बाबा साहब के यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा को दूध से धोना ये ओछा बनहेग नहीं है, ओछी मानसिकता का वृत्ति भेद नहीं है, जुआ छूत की दुर्भावना भेद नहीं है। बाबा साहब के प्रति भी संघवादियों के लोगों का अगर ऐसी मानसिकता है तो ये कभी हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल के पेपर में हमारी इस भावना में, भावना के अनुरूप इन संघवादियों को हम संदेश देना चाहते हैं। साथियों, अधिक बात न कहते हुए केवल इन महापुरुषों का आप मेहरबानी करके ध्यान रखें। यही महापुरुष है जिन्होंने हमारी आजादी के लिए लड़ा, सम्राट अशोक, उनके तक राजा हुए, अंतिम राजा बृहदत्त हुआ, बृहदत्त राजा छोटी उम्र का था, बृहदत्त के पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने उसकी हत्या की और हत्या करके अपने आप को राजा घोषित किया, और राजा घोषित करने के बाद अहोध्या का मतलब जो बिना युद्ध के जीता हुआ, इसका अहोध्या नाम नहीं था, इसके पहले इसका नाम था साकेत, और वहां जाकर के अहोध्या नाम बनाया गया, और अहोध्या में जाकर के वहां पर वाल्मीकि नाम का एक ब्राह्मण जिससे रामचरितमानस, तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस और रामायण लिखवाई गई है, रामायण दशरथ की जो बाबा तथागत गौतम बुद्ध की जातक कथाएं थी, उस कथाओं को चोरी करने के बाद वो रामायण लिखी गई है, और उसके बाद 31 वो जातक कथाओं को चुरा करके महाभारत लिखा गया। साथियों, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आप मेरी बात मान गए, लेकिन आप इस देश का इतिहास पढ़िएगा, इतिहास को पढ़े, पढ़ने के बाद ही आपको मालूम होगा हमारे बीच में ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष साहब आदरणीय दिनेश जी श्री मालिक साहब पधारी, माली साहब वो पधारे हैं जो ज्योतिबा कॉलेज और पर्यावरण संस्थान के संस्थापक है, खुले अंबेडकर विचारधारा के है, हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और एक साथ में भारत मुक्ति, हमारे मुक्त भारत के आंदोलन के नेता हमारे बीच में है, जो संविधान की हमेशा इज्जत करते हैं, संविधान रैली निकाली है, वो भी हमारे बीच में बुला रहे हैं, हम तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। उदयपुर शहर में सबसे बड़े व्यापारी हंसा उद्योग पैलेस के नाम से जाने माने रवि दान साहब हमारे बीच में बुला रहे हैं, हम